मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान युवा ब्रिगेड को देने को लेकर पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, मध्य प्रदेश के नए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक जनता की आवाज उठाने का काम करेगी। बीजेपी के आरोपों पर भी पलटवार करते हुए बोले, बीजेपी ने जनता को भ्रमित कर जनादेश लिया, अब जनता से किए वादों को बीजेपी पूरा करे। पहली बार हुआ 30 साल बाद एक बड़ा परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसी के मुताबिक आज जो परिवर्तन हुआ है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने अच्छा चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सजगता के साथ जनता के बीच में अपनी बात रखी और जनता ने हमें एक सजग प्रहरी के रूप में, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें काम दिया है कि एक सत्ता होती है, एक विपक्ष होता है, और आज जो विपक्ष का काम दिया है, और इसके अंदर मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन युवा नेतृत्व को, युवाओं को, सभी को कहीं ना कहीं एक हक और अधिकार दिया, युवाओं को लड़ाई लड़ने के लिए आगे करने का काम दिया। सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारे सीएलपी लीडर, पीसीसी चीफ, उप नेता, प्रतिपक्ष, इन सब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की उस लड़ाई को लड़ेगा जिस लड़ाई के लिए जनता ने हमें काम किया। कहीं ना कहीं जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और फरेब करके वोट लेने का काम किया, उसके खिलाफ सड़कों पर उतर के आंदोलन करने का काम जनता के लिए करें। सर, आपको लगता है चुनौती है क्योंकि सीनियर नेताओं के साथ तालमेल बैठाना होगा और एकदम से बड़ी जिम्मेदारी मिलना, चुनौती तो रहेगी? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये कांग्रेस पार्टी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करके मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, और यही काम के लिए माननीय खड़गे जी, राहुल जी ने हम नौजवानों को उत्तरदायित्व सौंपा है, और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठों की सहमति के साथ इन निर्णयों को लिए गए। तो चुनौती ये नहीं है, चुनौती जरूर ये है कि सड़कों पर उतर के हमें संघर्ष करना है, और जो झूठ और फरेब की राजनीति करके जनता को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार ने करा है, इसे जनता के सामने बेकर नकाब कैसे करे और कैसे जनता